बलिया में एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों द्वारा छात्र को लाठी डंडे से पीटने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर विद्यालय पर जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि बलिया जनपद के मनिया थाना क्षेत्र के बड़ा गांव उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों द्वारा छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल बड़ा गांव उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र को उसी सरकारी विद्यालय के अध्यापकों ने लाठी डंडों से पीट दिया। पिटाई से छात्र के पीठ पर डंडों के निशान भी पड़ गए। छात्र की पिटाई की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, परिजनों ने विद्यालय पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित छात्र शंभू का कहना है कि पीटने वाले अध्यापकों का व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं है। वहीं मामले की जांच करने आए खंड शिक्षा अधिकारी ने घटना की जांच कर रिपोर्ट BSA कार्यालय को भेज दिया है। आपका शंभू क्या कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पढ़ने गए थे? तो क्या हुआ उसमें? एक लड़का नो गाली दिया था, एक झपड़ मार दिया। उसके बाद वो कह रहा था नो हमको घेरे रहे थे और मारे थे। उसका भाई भी आया और हमको मारने लगा। फिर उसके बाद अब स्कूल में आए नो पुरस्कार मिल गया सभी लोग का। उसके बाद नो नाव धरे सभी लोग आए। तब उसके बाद डांटे और लाठी लेकर आए और हम ही लोग को मारे। श्री भगवान संतोष जितेंद्र। क्या करते हैं? क्या लोग हैं? मास्टर लोग हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? खाना पे। क्यों मारे हैं? नहीं करता कि विद्यालय में बच्चों के साथ कोई मैन हैंडलिंग की जाए, लेकिन अब ये घटना हुई है, मैं मौके पे भी हूँ। इसमें तमाम RTE एक्ट जो हैं अपने और दूसरे प्रावधान जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सरासर इनके द्वारा इसकी गलती की गई है। इसके लिए मैं जनपद को लिख रहा हूँ, जो ठोस कार्रवाई है अधिकतम संभव है वो करवाई जाएगी। ये विद्यालय जब संचालित होते हैं तो उसमें शिक्षकों का एक समूह रहता है, वो अलग अलग उसमें रहते हैं लोग, तो उसको लेकर कई बार मैंने मीटिंग करी है, इन लोगों से बात करी है। विद्यालय को एक शांतिपूर्ण माहौल में चलाने का प्रयास किया गया है। अब स्थिति अगर ऐसी रहेगी, नहीं सुधरने की बात है, निश्चित रूप से जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई वो कर ली जाएगी। इसी विद्यालय की महिला सहायक अध्यापक वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें जब मैं आता हूँ तब मेरे को फोटो वीडियो बनाया जाता है, और मैं इसकी शिकायत भी कर चुका हूँ कई बार खंड शिक्षा। उनकी शिकायत मिली है मुझे, कल ही मिली है। इसके संदर्भ में काम कर रहा हूँ। उनको मैं बोला था जो कि मुझे बस एक दो दिन टाइम लगेगा, मैं काम कर रहा हूँ जी। अब इस किस तरह कार्रवाई हो रही है? मैंने जनपद को इसमें लिया है विश्वास में, उनको सारी सूचनाएं और सारे स्थितियों से अवगत कराया गया। जनपद ने मुझे बोला है कि आप जो संस्तुति करके भेजना हो भेजिए। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।